नमस्कार, हिम तक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की। तो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस प्रकार से इंडियन आर्मी का सिलेक्शन होता है आपको पता होगा, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या कौन कौन से पोस्ट है ये भरी जाएंगे और कब भर्ती होगी, तो वो सब कुछ मैं आपको इसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस चैनल के हिम तक के माध्यम से दूंगा। तो आप चाहे किसी भी स्टेट के, इंडिया के, जो आपके स्टेट की जो भी नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी जॉब्स की, उसके बारे में आपको सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल हिम तक पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेम ऑफ कैटेगरी, तो सोल्डर जनरल ड्यूटी जीडी की, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 आप देखिए। एज क्या चाहिए, तो एज आपकी 17 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप 17 से 21 साल के बीच में है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइट बताई हुई 170 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी और जो चेस्ट है वो 77, ठीक है। और जो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए वो क्या है, तो जो इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कैंडिडेट, वो 45% अगर उनके मार्क्स है 10th में और पर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स है तो वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगी। और बाकी सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप अपनी स्क्रीन से आप खुद पढ़ना चाहो तो उसको खुद पढ़ सकते हैं कि कौन सी पोस्टें दी हुई है और किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद है सोल्डर टेक्निकल में, तो एज 17 से 23 साल तक और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच है, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी हाइट 170, वेट 50 केजी और जो चेस्ट सेंटीमीटर में है 77 और जब आप फुलाओगे उस छाती को अपने तो 5 सेंटीमीटर और होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो प्लस टू चाहिए। अगर आप प्लस टू पास है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सोल्डर टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्लस टू विद और जो आपकी प्लस टू हुई है उसमें साइंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इंग्लिश विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% आपके पर सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए, तो ठीक है, ये प्लस टू विद साइंस होनी चाहिए सोल्डर टेक्निकल। उसके बाद है सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल क्रॉप्स एंड इसके लिए जो एज है ये वो चाहिए 17 से 23 साल और डेट ऑफ बर्थ सेम है 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 2001 तक, ठीक है। तो इसमें बाकी हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ सेम है और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो प्लस टू पास इन साइंस, ठीक है, सब्जेक्ट सेम हो गया आपके और इसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जो इंग्लिश है इसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और आपके जो पर सब्जेक्ट मार्क्स होंगे वो 40% होने चाहिए। अगर आप कोई बीएससी का कैंडिडेट है या बोटनी, जियोलॉजी, बायोलॉजी साइंस, सॉरी बायो साइंस लिखा हो इसमें, तो अगर आप इसमें हैं तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है शोल्डर कलर की और स्टोर कीपर टेक्निकल, तो इसके लिए जो एज है वो 17 से 23 साल चाहिए और जो डेट ऑफ बर्थ है इसके लिए सेम रहेगी, तो 1 अक्टूबर 1995 से 1 अप्रैल 2001 के बीच और जो बाकी सब कुछ सेम है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो प्लस टू पास, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आपने किसी में भी इसके लिए प्लस टू की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए और बाकी सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो कैंडिडेट जिनको समझ नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको पता नहीं लग रहे, तो हिंदी में भी आपको ये नोटिफिकेशन में बता दूंगा कि, तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। तो शोल्डर ट्रेड्समैन की, तो आप देख लीजिए 17 से 23 साल एज होगी, डेट ऑफ बर्थ सेम होगी, हाइट 170, वेट 50 केजी और जो चेस्ट है छाती होगी वो 76, ठीक है। और इसके लिए 10th प्लस ITI एक्सपेक्टेड एंड मैथ, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा सब कुछ। आप रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, तो बाकी आप सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप देख लीजिएगा और अगर आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सिलेक्शन होता है इसको आपको पता होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बाकी उसके बाद जो ग्राउंड वगैरह, रिटर्न वगैरह सब कुछ इसमें आपको पता है किस प्रकार से होता है। तो बाकी जो इसमें बताया हुआ है
वो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, आप ए सर्टिफिकेट, बी, सी, जो भी आपके पास, तो उसमें जो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो जो आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा वो भी माफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप सब कुछ अपने इस नोटिफिकेशन पर देख रहे हैं, जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो कौन से लगेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन किस धर्म से हो, और स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, और बाकी अनमेरिड सर्टिफिकेट, लेसन सर्टिफिकेट, तो ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन एस सी डॉट इन वेबसाइट पर। तो मैं हिंदी में आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी बता दूंगा ताकि आप उसको भी देख पाए, और जो आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसको कि क्या आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन बताए हुए इसमें, वो आप पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। अब मैं आपको हिंदी में नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, तो वो हिंदी में आप देख लीजिएगा। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हिंदी की नोटिफिकेशन, जो हिंदी में आपको इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन आई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं टाइम दूंगा, अगर आपको ध्यान से पढ़ना है इसको तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को रोक देना, ठीक है, और उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद प्ले कर लीजिएगा। तो मैं टाइम दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ उसमें बताया हुआ है हिंदी में, और अंक कितने चाहिए आपके, और छाती कितनी चाहिए आपकी, वजन ऊंचाई, ठीक है, और जन्म की दोनों तारीख के लागू होगी, तो कब आप पैदा हुए और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें बताया हुआ है, तो देख लीजिएगा। टेक्निकल के लिए क्या चाहिए वो भी बताया हुआ है इसमें। तो आज ही ये 13 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो आज ही मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है इस वीडियो हिम तक, इस चैनल यूट्यूब चैनल की सहायता से, तो अब तक ये नोटिफिकेशन पहुंचा दी है। अगर आपको जानकारी चाहिए इसके लिए तो वो आप बता देना, ठीक है। तो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो वो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आज ही से आप इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो टाइम दे रहा हूँ मैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको सामने भी आसानी हो सके। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, ठीक है, रैली साइट पर ये सब कुछ बताया हुआ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और जो लिखित परीक्षा होगी आपकी वो किस प्रकार से होगी, तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद जो सामान्य परीक्षा की जो अंक होंगे वो आपके जो नंबर आएंगे उसमें किस प्रकार से आएंगे, तो वो सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको जो आपका जो रिटर्न होता है इंडियन आर्मी का वो आपको उसमें छूट होगी, ठीक है, लिखित परीक्षा जो होती है, बाकी इसमें सब कुछ बताया हुआ है। और अगर कुछ आपको लगता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको बताने में मिस कर दी है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा इस चैनल की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ बताया होता है, कुछ वीडियो के जिनके लिए मैं आपको कुछ जानकारी मिस कर देता हूँ बताना, तो वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दी होती है, तो उसको डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जो भी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है वो आप किसी स्टेट के लिए हो वो आप जान सके। तो नोटिफिकेशन को आप पढ़िएगा पूरा, किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे, और ये नियम सभी स्टेट में जो भी जहाँ भी आर्मी की भर्ती होती है उस पर ये नियम सब कुछ लागू होते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी के ऐसा नहीं कि कुछ आपको, जैसे आप दिल्ली से हरियाणा से हो तो अलग अलग नियम मिलेंगे, तो सब इनके लिए सेम नियम जो रूल्स होते हैं, जो सेम रूल वही लागू होते हैं। तो नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं आपको, जैसे आपको इंडियन आर्मी की भर्ती जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं उन पोस्टों के लिए, तो आज से अप्लाई कर लीजिएगा, दिसंबर तक इसकी डेट है, और जो ये भर्ती होगी वो फरवरी में आपकी भर्ती होगी, तो फरवरी का आप इंतजार कीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी इसके बारे में मिल सके। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी कमेंट कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना हिम तक इस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन जो आती है इसको दबा देना। आपके स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और या कुछ भी हो रहा है और उसके कारण अब जो नोटिफिकेशन आएगी आप तक वो भी नहीं पहुंच पाएगी, तो कोशिश करूंगा कि हर स्टेट की जो नोटिफिकेशन आती है जॉब की वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पर, और ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर
ये आपको जो है इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो और खुद पढ़ लीजिएगा कि कौन से स्टेट की है, किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, देश की सेवा कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।